बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर ही अपने बेखौफ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आ जाती हैं। इस वक्त उनका एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि 1997 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना के इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं, जिनमें सेलेब्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो हाल ही में दिए एक इंटरव्यू का है, जहां कंगना ने कहा कि वो लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन वो खून हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वो आज़ादी नहीं थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना के इस बड़े बयान के सामने आने के बाद अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने निशाना साधा है। कंगना के इस बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने साथ में लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। स्वरा भास्कर ने भी कंगना का वीडियो शेयर किया है और लिखा, कौन ये बेवकूफ लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं, मैं जानना चाहती हूं। हाल ही में कंगना को दो बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। पिछले महीने कंगना को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्मों मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। 8 नवंबर को कंगना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था, कंगना का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज्यादा सम्मान, प्यार, अक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं, लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा ना लेते हुए जिन चीजों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई, और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप में जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। कंगना ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी आने वाली फिल्म टीकू वेड्स शेरू का फर्स्ट लुक शेयर किया। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर कंगना ने नवाजुद्दीन और अवनीत कौर के फर्स्ट लुक को शेयर किया, जो फिल्म में शेरू और टीकू की भूमिका निभा रहे हैं। कंगना हाल ही में हमें फिल्म थलाइवी में नजर आई थी। यह फिल्म तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय जयललिता की बायोपिक है। कंगना आगामी कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा है। कंगना की फिल्म धाकड़ और तेजस रिलीज होने वाली फिल्मों में शामिल है। कंगना एक फिल्म में सीता का भी किरदार निभाने जा रही है। INS रिपोर्ट।